व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वॉचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, हेयर करियर से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो अजीत धवल से रिलेटेड, NSA के वो हेड हैं। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को लेके कोई आप कह लें बयान दिया है, कोई ऐलान किया है सॉरी, तो उस पर जो है ना हम बात करने वाले हैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है। क्योंकि हम पिछले दिनों मैं भी न्यूज़ में देख रहा था, अखबार में भी पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में, कि राजनाथ सिंह जी ने भी कोई बयान दिया है, अजीत डोवाल ने भी कोई बयान दिया, और फिर पाकिस्तान से जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने भी कोई बयान दिया। तो एक एक्सकलेशन हमें देखने को मिल रही है प्रायर टू इंडियन इलेक्शंस, क्या ही कह सकते हैं। बहरहाल गो विद द फ्लो, देखते हैं, शुरू करते हैं। 3, 2, 1 इन। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद से प्रभावी तरीके से और जल्दी से निपटना होगा, जिसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी शामिल है। उन्होंने इस खतरे से निपटने में दोहरे मानकों से बचने की अपील की। डोभाल कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में शंघाई सहयोग संगठन के एक सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आतंकवाद को फंडिंग करने वालों और मददगारों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत को भी रेखांकित किया। डोभाल ने NSA क्षेत्र में विभिन्न आतंकवादी समूहों की ओर से पैदा होने वाले खतरे का मुद्दा भी उठाया, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अलकायदा और ISIS भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत ट्रांसिट ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और जोर दिया कि इस तरह के कदम SCO सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान करने वाले होने चाहिए। अजीत डोभाल ने एक तरह से इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक सो मच। जो NSA डोभाल साहब जो हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, मैं उसको अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूं, वो लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली, यू नो, ये जो SCO की सेटिंग है, इसमें आप बायलैटरल किसी को नहीं कर सकते। आपने एक मल्टीलैटरल अरेंजमेंट है एंड यू हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस विच आर फॉर एवरी कंट्री। लेकिन इंडिया जो लैंग्वेज यूज़ करता है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमोसफेयर क्या है। सो वो कह रहे हैं कि जो पर्पिटेटर्स ऑफ टेररिज्म हैं, उनके साथ इफेक्टिवली एंड एक्सपीडिशियसली उनको डील किया जाए, और पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दिस इज प्योरली एन इंडियन व्यू फॉर पाकिस्तान कि जी ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। इंडिया चीमा साहब, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म मेरे ख्याल में हर ही कंट्री ये कहते हैं। जैसे हम ये जो ग्रुप्स के नाम इन्होंने लिए, जैश ए मोहम्मद और अंसारुल इस्लाम, या फिर जो कश्मीर ओरिएंटेड या इंडियन ओरिएंटेड ग्रुप्स हैं जिनका झुकाव वहाँ की तरफ टेररिज्म के, क्योंकि वो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं करते तो हम उसे ख़तरा नहीं समझते अपने लिए, और हम उन्हें एज अ टेररिस्ट डील भी नहीं करते। लेकिन तालिबान, TTP, BLA, दाइश, ISIS, ये सब क्योंकि पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करती हैं, तो इसलिए हम इन्हें अपने लिए ख़तरा समझते हैं, और हम इसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि अफगानिस्तान से हमारे ऊपर होता है। तो भाई देखो, जिसको जहाँ से अटैक होगा वो तो उसी का नाम लेगा ना। अब SCO में बेशक वो डायरेक्टली पाकिस्तान का नाम ले रहे, लेकिन इनडायरेक्टली इन ग्रुप्स का नाम लेके तो वो कह रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ ये ऑपरेटिव्स हैं इनके कार्रवाई करके ख़त्म किया जाए ताकि रीजन में स्टेबिलिटी आए। तो मेरा ख्याल है चाइना भी अब जोर देगा, अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ है तो चाइना ने भी कहना है कि भाई आप जितने भी आपके यहाँ ऑपरेटिव्स हैं उनको बंद करो, चाहे किसी ने भी अटैक किया है या आपके और हमारे ताल्लुकात खराब करने के लिए कि बेशक किसी ने अटैक किया, लेकिन किया तो है ना, तो इस पर कार्रवाई करो और इस पर ख़त्म करो इस चीज़ को। अब इस पर ये कह देना कि जनाब हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, तो बात यह है ना कि ये सारे ऑपरेटिव्स हैं कहाँ पे, ख़ास तौर पे जो कश्मीर को लेके जहाज़ की बात करते हैं वो ऑपरेट कहाँ से होते हैं? जनूबी पंजाब से, साउथ पंजाब पाकिस्तान से, या फिर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान से, ठीक है, ये दो ही रीजन्स हैं। बाकी जो है ना KPK से कुछ ऑपरेटिव्स हैं, तो हम जब तक इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे लोग हमें इसी तरह ही कहते रहेंगे। हाँ, हम अपने घर की सफाई कर लें, वो नवाज शरीफ ने कहा था ना कि हमें अपने घर की सफाई करनी चाहिए, तो हम अपने घर की सफाई करेंगे। मेरा नहीं ख्याल फिर कोई बिला वजह हम पे फिंगर पॉइंट करेगा, क्या ख्याल है?
कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।